जुग जुग सतगुर तरे अवतारी, हर जुग दे विच आंदा है, नवें ही खेड रच दिंदा है, विचित्र प्रेम लीला रच दिंदा है। फिर वो प्रेम लीला नूं प्रगट करन वास्ते अपने ही भगतां नूं भेजदा है। भगवान राम आए त्रेते विच, भगवान कृष्ण आए द्वापर दे विच, गुरु नानक पातशाह आए कलयुग दे विच। भगवान राम ने अपने भगत भेजे, भगवान कृष्ण ने अपने भगत भेजे, उन्होंने अपने इष्ट नूं, अपने भगवान नूं उस प्रेम नूं प्रगट किया है। और इष्ट और भगवान ने अपने भक्तों नूं प्रगट किया है, उन्होंने प्रेम नूं प्रगट किया है। साध संगत जी, गुरु नानक पातशाह दस जामिया चाहे निरंकार ने श्री गुरु ग्रंथ साहब का रूप धारिया, स्वरूप धारण किया है। जन्म मरण दोहू में नाहीं, जन पर पकारी आए, जी दान दे भगती लैन हर सुन लैन मलाए। जिन्हां नूं भी वह भेजदा है वह जन्म मरण च नहीं होंदे। साहब ने एक अपना महान गुरमुख आशक भेजिया है, अपने चरणों का प्रेम प्रकाश भेजिया है। फिर किस तरह और गुरु नानक पातशाह दी प्रेम लीला दसो पातशाहियां दी हाजर नाजर, जागदी जोत साहब श्री गुरु ग्रंथ साहब, उस महानता नूं, वड्याई नूं, भगवता नूं किस तरह उसका प्रेम और पूर्ण प्रगट करते हैं। इस संसार दे विच एक बच्चा प्रकाश दे विच लिपट आया है, ओ नेरे कमरे दे विच प्रकाश हो गया है, दाई चकाचांद हो गई है, जाके सारियां नूं खबर कीती है, सारे हैरान हो गए हैं। ओ गल बिजली दी तरह उस पिंड च फैली है कि एक रब्बी बाब ने जन्म लिया है। कुछ समा बीतिया, ओ गल सुनी सुनाई हो गई साध संगत जी, ओ रब्बी बाल, ओ जेड़ा पदाशी गुरमुख है, ओ निरंकार दा, गुरु नानक पातशाह दा, गुरु साहबान दा, गुरु ग्रंथ साहब दा, जेड़ा ओ महान आशक इस दुनिया च उन्होंने भेजिया है, ओ अपने बचपन तो ही किस तरह उस प्रेम लीला और गुरु नानक पातशाह नूं, गुरु ग्रंथ साहब की वड्याई नूं, उन्हां दी भगवता नूं किस तरह प्रगट करता है, ए उस महान आशक दी कथा है।